हेलो एवरीवन, वेलकम टू BLA, दैट इज़ बायोलॉजी एकेडमी। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंस बिटवीन बायोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ओके, जैसा कि आप नाम जानते होंगे, माइक्रोबायोलॉजी और जो नॉर्मल बायोलॉजी होता है उसमें कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे जो होते हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है, राइट? सो जैसा कि आप जानते होंगे, जो बायोलॉजी होता है ना, उसके कई सारे क्या नाम है, कई सारे इसकी ब्रांचेज होती हैं, राइट? जैसे कि बायोलॉजी जो होता है, अब मान लीजिए जो बायो है तो उस वो कई टाइप्स की होती है, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, राइट, एंड इन्वायरमेंटल साइंस। तो इसकी कई सारी इसकी ब्रांचेज बहुत सारी हो जाती हैं। जैसे आप अपने हायर स्टडीज़ में आगे बढ़ते रहते हैं तो वहाँ पे जाकर के स्पेशलाइज मतलब सब्जेक्ट भी एक हो जाता है, ठीक है। जब पहले आप ट्वेल्थ में या फिर आप अपनी ग्रेजुएशंस में रहते हैं, ठीक है, देन आपको इतना मतलब सब काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं। बट जब आप जितना ज़्यादा आप आगे अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करते जाते हैं, देन आपको एक स्पेशल मतलब स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे आपको स्टडी करनी होती है, राइट? सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज़ व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी एंड व्हाट इज़ बायोलॉजी। सो जैसा कि मैंने अभी बताया है कि इसमें डिफरेंस क्या, मतलब बायोलॉजी क्या है, ठीक है, इसकी कई सारी ब्रांचेज हो जाती हैं। बट चलिए हम लोग देख लेते हैं कि एक्चुअली में बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। सो देखिए, जैसे कि हम लोग जब हम लोग एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जब हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं, सो दैट इज़ नोन एज बायोलॉजी, ठीक है। ये जो है वो कई सारी स्पेशलाइज मतलब फील्ड्स में ये डिवाइड हो जाती है। देन जैसे कि मॉर्फोलॉजी, उसकी किसी भी ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि आप सपोज करिए कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ले लीजिए आप एग्जांपल के लिए, जैसे कि फंजाई हो गया, ठीक है, या कोई बैक्टीरिया ले लीजिए, तो उसके हम लोग मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फिजियोलॉजी कैसी है, उसकी एनाटॉमी वगैरह वगैरह, उसके बिहेवियर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, मतलब सब कुछ किस तरह से वर्क करता है। सो दैट इज़ ओवरऑल नोन एज बायोलॉजी, ओके। बट जब हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के बारे में जब बात करते हैं, तो माइक्रोबायोलॉजी का मतलब ये होता है जब हम लोग स्पेसिफिक कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जब हम लोग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जब हम लोग उसके बारे में बात करते हैं ना, सो दैट इज़ नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। सो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई भी जैसे कि स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको लेकर के अगर आप डिस्कस कर रहे हैं तो उसको हम माइक्रोबायोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसा है, ठीक है, उसका सेल कैसा है, उसके फंक्शन कैसे हैं, उसकी जो यानी कि उस किस तरह से उसमें फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, वो किस तरह की डिजीज़ को कॉज कर रहा है, तो सो दैट इज़ नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। वो कैसे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो अपनी ग्रोथ कैसे कर रहे हैं, तो उसको हम लोग माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट ये दिया हुआ है कि स्टडीज ऑल टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ एंड देयर इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट, ठीक है। सो जैसे कि सभी हम लोग स्पीसीज, डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज के बारे में जब हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर मतलब जब स्टडी करते हैं, उसका जो इंटरेक्शन होता है इन्वायरमेंट से, ठीक है, किस तरह से वो इंटरेक्ट कर रहा है इन्वायरमेंट से, किसका उसका रिस्पॉन्स है, ठीक है, सो दैट इज़ नोन एज बायोलॉजी। तो अगर हम लोग पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जब हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उनका इंटरेक्शन इन्वायरमेंट से, सो दैट इज़ नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। सो अब हम लोग देखते हैं, सो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, अ डाइवर्स फील्ड ऑफ साइंस। जो बायोलॉजी है वो एक बड़ी सी फील्ड है, ठीक है, एक माइक्रोबायोलॉजी जो है वो एक स्मॉल सा पार्ट है बायोलॉजी का, ठीक है। जैसे अदर ब्रांचेज होती हैं, अदर उसकी फील्ड होती हैं, तो उसी टाइप से ये माइक्रोबायोलॉजी एक बायोलॉजी का ही पार्ट है। लेस स्पेसिफिक टू अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ये कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में या फिर कोई ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात नहीं की जाती इसमें ओवरऑल देखा जाता है सभी टाइप की स्पीसीज के बारे में यहाँ पे बात की जाती है। बट माइक्रोबायोलॉजी जो होता है वो मोर स्पेसिफिक टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, यानी कि हम लोग पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि माइक्रोब्स के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं, ओके। सो स्टडीज
यूज़ बोथ नेकेड आई एंड द माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसमें जो स्टडी की जा रही है वो हम लोग, क्योंकि यहाँ पे जो बायोलॉजी है तो यहाँ पे आपको लार्ज ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे, स्मॉल भी, यानी कि हर टाइप के। तो यहाँ पे आप नॉर्मल नेकेड आई से भी आप देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं और माइक्रोस्कोप का भी यूज़ कर सकते हैं। बट वेन वी टॉक अबाउट माइक्रो बायोलॉजी, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देन वी नीड टू स्पेसिफिक माइक्रोस्कोप, क्योंकि आप बिना माइक्रोस्कोप के उनको विजुलाइज नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज़ ओवरऑल डिफरेंस बिटवीन माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोलॉजी। ओके, सो आई विल ट्राई टू कंटिन्यू दिस सीरीज। ओके, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल देन यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच अपकमिंग वीडियोज़। ओके, आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।